कितना अच्छा लगेगा आपको अगर आपका चुराया हुआ माल आपको वापस मिल जाए। तो अगर कोई आपका माल किसी ने चुराया है, या फिर घर में से कोई आपका सामान उठा है, ज्वेलरी उठी है, या फिर कोई आपका जान पहचान वाला या आपका रिश्तेदार गुम है और आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसा करें कि चोरी हुआ माल खुद वापस चोर लेकर आ जाए। तो मैं आज आपको इतना पावरफुल एक अमल आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें मेरे साथ, मैं आपको बताऊँगा डिटेल के साथ। मेरा नाम है अफसर अली और आप देख रहे हैं अली रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि चुराया हुआ माल, क्योंकि गल्ले में से पैसे उठ जाते हैं, घरों में से पैसे उठ जाते हैं, या फिर दुकानों में चोरी हो जाती है, या चोर कोई भी सामान जेवरात वगैरह घर से उठा के ले जाता है। तो आज इतना पावरफुल एक अचूक अमल मैं आज आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, हमारे यहाँ कुरान पाक की एक आयत है जिसको हम इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ मुसलमानों में ये आयत ख़ास आम, ज़्यादा जो कोई गुज़र जाता है, मैयत हो जाती है, तो उसके लिए लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। हालांकि ये आयत बहुत ही फ़ायदेमंद है और काफ़ी मदद होती है इससे। तो अगर कोई चोर आपका सामान ले जाए उठाकर, या फिर कहीं से आपके पैसे उठ जाएं और आप चाहते हैं कि आपका वो सामान मिल जाए, या फिर कोई आपका आदमी गुमशुदा है, लापता है, जिसका कोई अता पता ना हो, तो इस पढ़ाई को आप बावजू कसरत से पढ़ें। इसके लिए कोई तादाद लिमिट नहीं है, जैसे कि 1100 बार, 2100 बार पढ़नी पड़ती है, ऐसे कोई लिमिट नहीं है। बस कसरत से पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ लें शुरू में, और जब तक आपका सामान न मिले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप पढ़ते रहें, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, कसरत से पढ़ें। ऐसा करने पर आपका जो सामान चोरी हुआ है, या फिर आपके पैसे चोरी हुए हैं, या फिर आपका कोई इंसान जान पहचान वाला गुम हुआ है, वो वापस आ जाएगा। और जो चोर आपका सामान लेके गया है, वो ख़ुद आपका सामान जहाँ से उठा हुआ होगा वहीं पर रख देगा, या फिर आपकी जेब से मोबाइल निकाला है तो वो भी आपको जो है वापस मिल जाएगा। क्योंकि मोबाइल के केस ज़्यादा आते हैं कि चोरी हो गया फ़ोन। तो ये अमल बहुत ही बेहतरीन अमल है और बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा ताकत है। तो इस अमल को करिए और कोई किसी को दिक्कत परेशानी इस अमल में नहीं होगी, क्योंकि ये कोई छिल्ले वगैरह का काम नहीं है। बहुत से आदमी सोचते हैं कि कोई पढ़ाई हमने कर ली और हमें उससे दिक्कत ना हो जाए, हमें परेशानी ना हो जाए, या फिर गुस्सा ना आने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप इस अमल को इस्तेमाल कीजिए, काम में लाइए, आपका 100 के 100% मसला हल होगा। चाहे चोरी हुआ सामान हो, वो आपका वापस मिल जाएगा, या फिर कोई आपका गुमशुदा खोया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, वो अपने घर वापस आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया अमल है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी आवाम, काफ़ी उम्मत के लोग, काफ़ी इंसान फ़ायदा उठा सकें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।